हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ इलेक्ट्रिक कपूरदानी रिव्यू। इसे मैंने अमेजोन से परचेस किया है और आप देख सकते हैं पैकेजिंग कितनी अच्छी तरीके से आई है। प्रोडक्ट बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से पैकिंग करके दिया है। तो जो आपको डिजाइन वाला पार्ट दिख रहा है वो सिरेमिक का है, अंदर स्टील की कटोरी अटैच हुई है और ये सिरेमिक का है तो ये टूट सकता है, तो इसे हमें केयरफुली ही यूज करना है। यहाँ पे बटन दिया है और प्लग दिया है, इंडिकेटर भी दिया गया हुआ है। आप देख सकते हैं वो डिजाइन कितनी सुंदर लग रही है। ये जो स्टील का पार्ट है इसमें आपको कपूर डाल के इसे जलाना है, तो बहुत ही सुंदर लग रही है ये कपूरदानी। अब मैंने इसी के साथ भीमसेनी कपूर भी लिया है, ये 100% प्योर है। इसका सेंट बहुत ही अच्छा आता है और ये जल्दी मेल्ट नहीं होता। जो छोटी छोटी टैबलेट्स आती है वो जल्दी जल्दी मेल भी हो जाती है और उसका सेंट ज्यादा देर तक नहीं रहता है। और ये जो भीमसेनी कपूर है वो क्रिस्टल फॉर्म में आता है, कोई टैबलेट या किसी शेप में नहीं होता, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं वीडियो में। और इसका सेंट बहुत ही अच्छा आता है, पूरे घर में फैल जाता है और जल्दी से मेल भी नहीं होता, बहुत देर तक जलता है, तो इसकी सेंट भी बहुत देर तक घर में रहती है। आप घर में अच्छी खुशबू के लिए अलग अलग तरह के स्प्रे यूज करते हो तो उसकी जगह अगर आप कपूर जलाएंगे तो घर में पॉजिटिविटी आती है, घर में जो कीड़े मकोड़े मच्छर है वो नहीं आएंगे। ये कपूर 100 ग्राम का है। अगर आपको ऑनलाइन परचेस करना है तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर चेकआउट करके लीजिएगा। अब मैं आपको इसे यूज करके दिखाऊंगी। इसे मैं आप डायरेक्ट कपूर डाल सकते हैं लेकिन यहाँ पे मैं फॉइल पेपर का यूज कर रही हूँ। कुछ कपूर जलने के बाद निशान छोड़ जाते हैं। जो अटैच की हुई स्टील की कटोरी है वो काली ना हो तो इसलिए मैंने इसके अंदर फॉइल पेपर डाला है। अब मैं इसी के अंदर भीमसेनी कपूर डालूंगी। अगर आपको कपूर नहीं डालना है तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल के उसमें फ्लेवर वाले एसेंस के कुछ ड्रॉप डाल सकते हैं। अब हम स्विच ऑन करेंगे और स्विच ऑन करने के बाद 5 मिनट में ही कपूर जलना शुरू होता है, घर में बहुत ही अच्छी खुशबू फैल जाती है। ये जो साइड का बटन है वो ऑन करना है, रेड कलर का इंडिकेटर ऑन हो जाता है तभी कपूर जलना शुरू होता है। आप इसे नाइट लैम्प की तरह भी यूज कर सकते हैं लेकिन जो साइड का बटन है उसे ऑफ ही रखना है। कपूरदानी को बच्चों का हाथ नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये कुछ ही देर में थोड़ी गर्म हो जाती है, तो इसलिए आप इसे ऊपर ही लगाइए। अब मैं आपको नाइट का व्यू दिखा रही हूँ कि कपूरदानी नाइट में कैसे दिखती है। तो बहुत ही सुंदर कलरफुल ये कपूरदानी नाइट में दिखती है। सो फ्रेंड्स, इस कपूरदानी की ऑनलाइन अमेजोन लिंक और भीमसेनी कपूर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप जरूर चेकआउट करके लीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।